chapter 7 of class 12 history NCERT, that is themes in Indian history part 2. So we have already completed our themes in Indian history part 1. If you haven't seen those videos, please check it out. Aur isme hum chapter 7 dekhenge jo ki hai the imperial capital Vijayanagara. So ye shuru hota hai 14th century se 17th century tak. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, एक्सेप्शनल तो इतने हैं कि लाइक केमिस्ट्री में भी आपको नहीं मिलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो कि है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ द एरिया जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. विजयनगर यानी कि द सिटी ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत ही जीत मिली हो. सो सिटी ऑफ विक्ट्री जो कि एक बहुत ही प्रॉस्परस एम्पायर था, एक सिटी नहीं था, विजयनगरा जो कैपिटल तो थी बट ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था. देखिए हम मैं यहाँ पे जो है आपके लिए फिगर ड्रॉ कर सकती हूँ. ये कुछ हमारा जो साउथ का फिगर है, जो पेनिनसुला एरिया है वहां से हम देखते हैं. सो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कृष्णा वैली मिलेगी और कृष्णा वैली से होते हुए जो है ये पूरा इतना एरिया तक जो है फैला हुआ था. यानी कि आज की अगर आप मॉडर्न स्टेट ले तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र का आप शामिल कर सकते हैं. इतने एरिया को जो है विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है. अब इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, क्योंकि यहाँ जो सिटी थी वो एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी और जब हिस्टोरियंस वहां पहुंचे तो उनको केवल और केवल जो है खंडर मिला. लाइक ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस वक्त कुछ था, दैट्स इट. फिर उसको जब हिस्ट्री निकाली गई उसकी, बाद में पता चला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का और बहुत ही प्रॉस्परस एम्पायर रहा है. बट यहाँ पे एक्सेप्शन इतने ज्यादा है, मतलब एक ही चीज को लेके बहुत सारी चीजें कही गई हैं कि इसको फाउंड कैसे किया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. सो कैसे पता लगाया गया इसकी हिस्ट्री के बारे में, इंस्क्रिप्शंस हुए, जो मंदिर से हमको इंफॉर्मेशन मिली, जो प्रीस्टेस हुआ करते थे कि उनसे पता चला. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. ओके, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय जो कि एक हम कह सकते हैं एंटीक्वेरियन भी था और एक एम्प्लॉय भी था, जो कि आता है कहाँ पे, इस एरिया को घूमने के लिए आता है, सर्वे करने आया था एक्चुअली, जिसका नाम था कॉलिन मैकिन्ज़ाई, कॉलोनेल कॉलिन मैकिन्ज़ाई 1800 में आया था. और जब वो देखता है तो उसको पता चलता है यार मतलब ये इंपॉर्टेंट साइट थी, तो उसने सर्वे करना शुरू कर दिया. अब सर्वे के लिए उसने इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर की, तो इंफॉर्मेशन उसने गैदर की जो वीरूपाक्ष टेम्पल है, एक टेम्पल है यहाँ पे वीरूपाक्ष टेम्पल, वहां से, और जो श्रिंप थी पंपा देवी की, उनकी श्रिंप पे जाके वहां जो प्रिस्टिस थे उनसे पूछा, इंस्क्रिप्शन लिए. फिर बाद में जो उसने जितने भी पजल जो है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा था. अब 1836 में जब कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ की ली गई तब जाके स्कॉलर्स को थोड़ी आसानी हुई समझने में, क्योंकि जब तक कोई चर्चा ही नहीं थी कि ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में. जब उन्होंने सर्वे किया, यानी कि कॉलिन मैकिन्ज़ाई ने जब सर्वे किया उसके बाद इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया स्कॉलर्स ने. So see the next one we are having is Rayas, Naikas, Sultans. So ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी ना कि कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करूँ तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उस टाइम पे जो हम एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं आज इंडिया में वो कौन से स्टेट है जहाँ पे एम्पायर एग्जिस्ट करता था. सो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सॉरी मैंने वहां पे आंध्र प्रदेश नहीं जोड़ा था. सो यहाँ जो एरिया है ये एम्पायर एग्जिस्ट करता था. सो ये जो टेरिटरीज है ये एम्पायर में इंक्लूड थी. अब शुरुआत होती है दो ब्रदर्स से, यानी कि दो भाई जिन्होंने इस एम्पायर को जो है फाउंड किया था. यहाँ पे आप देखिए पूरा ये डायनेस्टी का चार्ट बना हुआ है जिसको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो आप देखिए ये एरिया जो है यहाँ पे दो भाई थे, हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने 1336 में इस एम्पायर को फाउंड किया था. इस एम्पायर को फाउंड करने के बाद जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे जुड़ जाती है, बहुत सारे डाइवर्स
हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी इस एम्पायर में, जस्ट बिकॉज ये एम्पायर सिटी ऑफ विक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत युद्ध हुए, लाइक बहुत युद्ध। अब देखिए आप, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बाउंड्री हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती थी, यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि विजयनगर एम्पायर केवल इतना हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक फैल गया हो, या कभी ये भी हो सकता है कि एकदम ये यहाँ तक रह गया हो। सो बराबर फ्लक्चुएशन होता रहता था। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरे रूलर्स भी थे, जो कि थे गजापति। गजापति कौन थे? गजापति जो है वो उड़ीसा के रूलर्स को कहा जाता था, और सुल्तान्स ऑफ दक्कन। सो जो दक्कन पार्ट है हमारा, ये जो है दक्कन पार्ट कहलाता है, यहाँ के जो सुल्तान्स थे। अब बाउंड्री स्ट्रगल, जो पावर का स्ट्रगल है, वो शुरू से ही हर एम्पायर में चलता आया है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती थी कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपने एम्पायर में कर लें। सो इसी की वजह से फ्लक्चुएशन होता रहता था। अगर फ्लक्चुएशन हुआ है तो वहां पे, यानी कि जो बाउंड्रीज से लगे हुए जो लोग हैं वहां पे जो रहते थे, तो वो भी चेंज होते रहते थे। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी? लैंग्वेज यहाँ पे तमिल बोली जाती, कन्नड़ बोली जाती थी, और मलयालम बोली जाती थी। ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो उस वक्त प्रेवलेंट थी। कई सारे मंदिर भी बनवाए गए, स्पेशली हम बात करें कर्नाटका में, उस वक्त जो है होयसालास रूलर्स थे, मतलब डायनेस्टी के रूलर्स थे। और तमिलनाडु में चोलास थे। हम बात करें केरला में, तो यहाँ पे पांड्यास थे। सो अलग अलग जो है डायनेस्टी के रूलर्स थे यहाँ पे, और इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। जब भी क्या होता था, पहले जो एक्स्ट्रा वेल्थ होती थी ना, वो एक्स्ट्रा वेल्थ कहाँ पे जाती थी? टेंपल्स में जाती थी। मंदिर को ये दान दिया करते थे, और मंदिर जो है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया करते थे, जैसे कि एजुकेशन देना हुआ। आज के टाइम पे क्या होता है भाई, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलग है, गवर्नमेंट का काम जिस तरह से है कि वो सबका ध्यान रखती है, भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करानी है, हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। सो किंग के पास तो होते ही थे ये, बट बहुत सारी एक्टिविटीज टेम्पल रेगुलेट करता था। अब इन लोगों ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टेम्पल को बनवाने के लिए। साउथ के जो टेम्पल्स है, सदर्न इंडिया के टेम्पल देख लो आप, मतलब गजब, बहुत ही अच्छे, इतने विशाल टेम्पल कि आज अगर आप सोचे कि यार ये आर्किटेक्ट ने बनाया कैसे होगा, जो उस वक्त जो लेबर्स थे उन्होंने बनाया कैसे होगा इतने बड़े बड़े मंदिर, और बहुत ही अच्छी कारीगरी जो है की गई। बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थंजावर में है, चेनाकेश्वर टेम्पल जो कि बेलर में है। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो एक शिव मंदिर है, और यहाँ पे और भी मंदिर बनवाए गए, जैसे कि गंगोई कोंडा चोलापुरम जो कि गॉडेस टेम्पल भी है और ये शिव टेम्पल भी है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि मीनाक्षी टेम्पल जो है वो भी साउथ इंडिया में ही है। सो ये हो गया हमारा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन की, किस तरह से शुरुआत हुई, तो किसने जो है इसकी नींव रखी, शुरुआत किसने की विजयनगर एम्पायर की। तो शुरुआत जो है वो संगम डायनेस्टी से होती है। संगम डायनेस्टी, देखिए आपको यहाँ पे डेट में फर्क मिलेगा, आप कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स में है और जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया उसमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि एनसीईआरटीज में मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं डेट का आपको जो ये जो पुरानी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री पुरानी होती है, जो हमारा पास्ट है, आपको हर बार जो है यहाँ पे जो डेट्स मेंशन की गई है वेरिएशन हर जगह मिलेगा। इनफैक्ट देयर वाज वन यूपीएससी एस्पिरेंट हु आस्क्ड मी दैट क्या तुम मुझे वो भेज सकती हो, मतलब जो नोट्स वगैरह है भेज सकती हो जो एग्जैक्ट डेट है इनकी। देन आई सेड दैट इनफैक्ट आई एम टू सर्चिंग फॉर इट, क्योंकि ये जो चीज है ये फ्लक्चुएशन आपको मिलेगा। हाउएवर आई यूज्ड दिस डेटिंग सिस्टम फ्रॉम विकिपीडिया, मैंने ये एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं लिया है, ये मैंने विकिपीडिया से डेटा लिया है। सो कंफ्यूज ना हो अगर आपको कहीं पे डेट मैच ना मिले, इट डजंट मीन दैट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो गलत है, केवल दो तीन जगह ही वेरिएशन मिलेगा आपको, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए हम संगम डायनेस्टी की बात कर रहे थे, 1336 टू 1485। हरिहर एंड बुक्का, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद जो है वो हरिहर सेकेंड और बुक्का सेकेंड आए। सो ये जो है यहाँ के रूलर्स थे। अब इन्होंने क्या किया, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने जो एम्पायर है इसका नाम विद्यानगर था, विजयनगर नहीं था, विद्यानगर था। इन्होंने इसको रिनेम किया, इसका नाम जो है वो विजयनगर था। नेक्स्ट वी हैव बिल्ट अ डैम अक्रॉस कैनल्स,
जो वाटर सिस्टम है ना, वाटर रिसोर्सेस का सिस्टम, वो इसमें बहुत अच्छा है कि किस तरह से एक स्पेसिफिक वे, मतलब हर चीज बहुत सिस्टमैटिक थी। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हर चीज बड़ी सिस्टमैटिक थी, तो ये लगता है कि उस वक्त लोग इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि वो ये सारी चीजें प्लान कर सके, और अगर की है तो किसने की है। सो वही चीज यहाँ पे है कि इन्होंने डैम बनवाया था तुंगा भद्रा जो रिवर है उससे होते हुए। अब एक और चीज, हरिहरन बुक्का, इनकी हिस्ट्री क्या है, बहुत सारे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। उस वक्त क्या था ये, हम क्योंकि 14th century की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेजन होते थे जो मुस्लिम रूलर्स है, वो अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत है वो ऑलरेडी थी। सो इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत ने जो जो यहाँ के रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने इस एरिया को जीतने के लिए भेजा। किसको भेजा, ये जो हरिहरन बुक्का थे इनको भेजा यहाँ पे। पहले यहाँ पे जो संगम डायनेस्टी, उससे जो विजयनगर एम्पायर है, इससे पहले कंपिली किंगडम था। कंपिली किंगडम कैसे था, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहाँ पे अपने लोगों को भेजा था ये जीतने के लिए। बट यहाँ के जो रूलर थे, मतलब इस एरिया के विजयनगरा, और जो मैंने आपको कंपिली कंपीली किंगडम के बारे में बताया उसके रूलर, तो उन्होंने जो है उनको हरा दिया, जो आए थे लोग उनको हरा दिया। फिर बाद में जो है इसके बाद विजयनगर एम्पायर आ जाता है एग्जिस्टेंस में। उससे पहले की स्टोरी क्या है, शुरू से बताती हूँ। जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने सदर्न पार्ट को जीतने के लिए भेजा और सुल्तान ने उसको जीत भी लिया। अब उनका एक कमांडर है, उसको भेजते हैं कि भाई तुमको ये एरिया जीतना है, यहाँ के जो रूलर्स थे हिंदू रूलर्स थे उनको हरा के। अब वो जो कमांडर आया था, मिलिट्री कमांडर, वो जीत भी लेता है ये पूरा पार्ट, सदर्न पार्ट। अभी विजयनगर एम्पायर एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, मैं आपको बहुत पहले की बात बता रही हूँ। इन्होंने जीत भी लिया, और जो कमांडर भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने क्या किया, एक संदेश भेजा, एक मैसेज भेजा अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में कि भाई मैंने ये एरिया जीत लिया है, और कुछ हिंदू राजाओं के कटे हुए सिर अलाउद्दीन खिलजी को वहां पे भेजे। और उस वक्त जो वहां के रूलर्स की ये जो वाइफ हुआ करती थी, जितनी भी वहां पे वुमेन थी, इन्होंने जौहर अटेम्प्ट कर लिया था। जौहर यानी कि रिचुअल मास सुसाइड था, जिसमें काफी सारी महिलाएं इकट्ठे जो है वो कूदती है, क्योंकि ये अक्सर जो है जब किया जाता था, जब एक राज्य पे दूसरे राज्य दूसरी एरिया वाले लोगों ने कब्जा कर लिया हो, तो वो अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए जौहर अटेम्प्ट कर लेती थी। ये तो भाई मूवी देख ली होगी पद्मावत, तो पता चल गया होगा। सो कुछ ऐसा हुआ। फिर बाद में कंपिली किंगडम आता है। कंपिली किंगडम के बाद जो है, बाद में जो है विजयनगर किंगडम और विजयनगर एम्पायर एग्जिस्टेंस में आता है। सो भाई आपको ये चीज पता चल गई, रिनेम द एम्पायर, यहाँ पे नाम जो है दोबारा रखा गया, विद्यानगर था इसका, बाद में विजयनगर रखा गया। और इन्होंने जो है कैनल बिल्ड करवाया अक्रॉस, सॉरी एक बिल्ड डैम बिल्ड करवाया अक्रॉस कैनल। नेक्स्ट वे हैव सलुवा डायनेस्टी। सो यहाँ पे डी शॉर्ट में है, कंफ्यूज मत होना। सलुवा डायनेस्टी आती है और इसके जो फाउंडर थे वो थे सलुवा नरसिम्हा। ओके, सलुवा नरसिम्हा। अब इनका जो है कब तक चलता है सिस्टम, 1485 से 1505 तक। देखिए यहाँ पे मैंने एक फाउंडर का नाम लिखा है, इट डजेंट मीन दैट ये 1336 से 1485 तक यही रहे। मैं केवल ये बता रही हूँ, ये जो नेम मेंशन है ये फाउंडर रहे हैं इस डायनेस्टी के। सलुवा नरसिम्हा जो है वो फाउंडर थे सलुवा डायनेस्टी के, इसके बाद भी बहुत सारे रूलर्स आए। अब यहाँ पे जो रूलर्स थे वो थे तिरुमल एंड इमादी, एंड तिरुमल इमादी मोहम्मद, जिनके इनके टाइम पे जो है पावर ज्यादा, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो लीडर नहीं थे, मतलब इन्होंने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया। और वास्को डिगामा केम इन हिज रीजन। वास्को डिगामा एक पोर्चुगीज ट्रेवलर जो कि इन्हीं के रेन में आया था। और आपको बताऊं, वास्को डिगामा जो है वो इंडिया 1498 में आया था। सो यस, 1485 में ये फाउंड किया गया था, 1498 में वास्को डिगामा इनके रेन के टाइम पे आया था। नेक्स्ट है तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये वही रूलर है जिनके टाइम पे विजयनगर जो है वो फला फूला, यानी ये सबसे ज्यादा इसने अपना आपको स्ट्रॉन्ग किया कृष्णदेव राय के टाइम पे। हम इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। सुलवा डायनेस्टी कब से कब तक की थी, 1505 से लेके 1570 तक की जो है इनकी डायनेस्टी थी। वीर नरसिम्हा जो है इसके फाउंडर थे। अब हम इसके बाद आते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे
तुलुआ डायनेस्टी के, ना केवल तुलुआ डायनेस्टी के, इनफैक्ट ये जितने भी डायनेस्टी यहाँ पे आई उन सब में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किंग यही रहे हैं। कृष्णदेव राय जो आए थे इनके टाइम पे, अब देखिए पावर स्ट्रगल चल रहा था, जो दोआब रीजन है तुंगभद्रा का और कृष्णा वैली और तुंगभद्रा के बीच का जो रीजन है, फर्टाइल रीजन के पीछे लड़ाई क्यों होती थी कारण भी बताती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे एक रिवर थी भाई, रिवर थी और रिवर की वजह से, रिवर के आसपास जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है, ज्यादा ट्रेड होता है, तो यहाँ पे जो ट्रेड होता था उसके लिए भी स्ट्रगल था, दैट्स व्हाई फ्लक्चुएशन जो है बाउंड्री में होता रहता था। अब सब कहेंगे कि भाई मैं इसी में गंदा कर रही हूँ, तो हम एक काम करते हैं एक दूसरा जो है मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ओके नाउ यू कैन सी, सो यहाँ पे अब पावर स्ट्रगल क्या चल रहा था, जो गजापति थे और जो सुल्तान थे और जो विजयनगर एम्पायर थे इनके पीछे चल रहा था और कई बार लड़ाइयाँ हुई, बट अक्सर जो है वो कृष्णदेव राय ही जीते हैं। इनके टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है एम्पायर, मतलब किसी भी डायनेस्टी में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहा है जितना कि इनके टाइम पे रहा है। मीन्स दैट इनकी लीडरशिप काफी अच्छी थी। ही ऑल्सो वॉन उड़ीसा जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया था, गजपति जो रूलर्स थे उनका जो रेन था उड़ीसा, उसको भी कृष्णदेव राय जो है वो जीत लेते हैं। अब इन्होंने कई इंपॉर्टेंट जो है वो बिल्डिंग्स भी बनवाई, जैसे कि विजय महल, हजारा राम, विट्ठल स्वामी मंदिर, एंड ये शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे नीचे, मैं बताऊं कृष्णदेव राय के टाइम पे जो है ट्रैवलर्स जो आए थे जिनका नाम था डोमिंगो पेस एंड बरबोसा, दुआर्ते बरबोसा, ये दोनों ही जो है पोर्चुगीज ट्रैवलर थे जो कि कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। कृष्णदेव राय में अब देखना, यहाँ पे मैंने कहा पावर स्ट्रगल चलता था बहुत ज्यादा, सुल्तान और गजापति और जो रायास थे, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स है उनको रायास कहा जाता है, वो अपने आप को रायास कहा करते थे। सो रायास जो थे, रायास गजापति और सुल्तान, इनके बीच में पावर स्ट्रगल चलता था, बट स्टिल जो कई सारी बिल्डिंग टेक्निक्स है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर टेक्निक्स इन्होंने अपनाई और अपने जो है बहुत बड़े बड़े जो है मंदिर बनवाए, जैसे कि मैंने कहा विजय महल, हजारा राम, विट्ठल स्वामी, जिनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, महानवमी दिब्बा, और जो गोपुराम है, जो स्ट्रक्चर इन्होंने अपनाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वे है अरविदु, अरविदु डायनेस्टी जो कि 1570 से 1646 तक रहती है। इसके फाउंडर थे तिरुमला राया, शिफ्टेड कैपिटल टू पेनुगोंडा। अब इन्होंने जो है विजयनगर जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया, पेनुगोंडा जी गए और पेनुगोंडा जो है ये गए और इस एम्पायर का जो है अंत हो जाता है 1646 में, खत्म। अब ये लूट ली जाती है पूरी की पूरी सिटी। अब देखिए जो कृष्णदेव राय है इनकी डेथ हो गई थी 1529 में, और इनके जो सक्सेसर थे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, अच्छे से मतलब है इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ये संभाल नहीं पाए। अब चलिए आपको एक युद्ध बताती हूँ जो कि तुलुआ डायनेस्टी में ही हुआ था, ये हुआ था 1565 में, जिसको तुंगभद्रा राक्षी तंगड़ी राक्षी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और बैटल ऑफ तलीकोटा, बैटल ऑफ तलीकोटा जो कि 1565 में हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो इनके बाद जो सक्सेसर थे, जैसे कि मैंने कहा कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे जो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज की जाती थी, जो इनके पास जो रूलर थे उनके मंत्री जिसका नाम था रामा राया। अब रामा राया ज़्यादातर जो पावर है वो एक्सरसाइज किया करता था, इनसे क्या किया मंत्री ने कि इनने कहा कि भाई हम एक चाल चलते हैं, ये बार बार पावर स्ट्रगल चल रहा है, कुछ करके जो है यहाँ के जो बीजापुर के जो रूलर्स थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इनके जो सुल्तान थे इनको आपस में लड़वा देते हैं और भाई हम अपना एम्पायर जो है वो बचा लेंगे। बट इनकी चाल ये काम नहीं आई, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कोशिश कर रहे हो कि आपका जो दुश्मन है आप दुश्मन को किसी और से लड़वा दो ताकि आपसे ध्यान बट जाए उसका, लेकिन इन्होंने ये दिमाग नहीं लगा पाया कि भाई ये आपस में भी तो मिल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ जो रूलर्स थे अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इनके सुल्तान आपस में मिल जाते हैं और मिलके जो विजयनगर है, जो रामराया है, इन्हीं के एम्पायर को लूट लेते हैं। अंत क्या होता है, ये जो विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस एम्पायर था, मतलब आप समझ लो हर चीज मिलती थी, स्पाइसेस के लिए फेमस था ये, टेक्सटाइल के लिए फेमस था, जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो यहाँ से
एक्सपोर्ट किए जाते थे। हम बात करें तो यहाँ पे ज्वेलरी वो बहुत अच्छी किस्म की मिलती थी, तो हर चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। मतलब जो ट्रैवलर्स आए थे तो वो कहते थे यार यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं मिलती है, ऑलमोस्ट ये इनके पास सब कुछ है और सभी के पास, मतलब सब बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे। सो क्या होता है फिर जो है यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है वो लुट जाता है। इस तरह से इसका अंत हो गया था, कंप्लीटली जो है ये सिटी सेक्ट कर ली जाती है इन सुल्तान्स के द्वारा। इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे जो इनिशियली सारी चीजें हाथ में थी वो थी लोकल मर्चेंट जिनका नाम था कुदरई चेती। सो इनको बोला जाता था कुदरई चेतीस, कुदरई चेती जो कि लोकल मर्चेंट्स को बोला जाता था। इसके बाद जो है जैसे ही पोर्चुगीज आए, मैंने कहा पोर्चुगीज जो है वो 1498 में आए थे, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। सो पोर्चुगीज पहले आते हैं 1498 में, फिर इनके पास सारी जो रिसोर्सेज है इनके हाथ में आ जाती है। आई मीन टू से इन्होंने जो है अपने मिलिट्री और जो ट्रेडिंग स्टेशन है वो यहाँ पे बनवा लिए, यानी कि बना लिए, क्योंकि जब भी वॉर की बात आए, अब ये जो राजा हैं ये कुछ ना कुछ, विजयनगर एम्पायर भले ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था तो क्या ये बाहर से कुछ मंगवाता ही नहीं था, मतलब कुछ इम्पोर्ट नहीं करता था, सब एक्सपोर्ट करता था? नहीं, ये जो है इम्पोर्ट भी करता था। अरब के घोड़े जो हैं, यानी कि अरब हम एरिया ले ले और सेंट्रल एशिया ले ले, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, जस्ट बिकॉज यहाँ से जो हॉर्सेज हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता था। जो गजापति रूलर्स है वो भी इम्पोर्ट करते थे, जो सुल्तान से वो भी इम्पोर्ट करते थे, और जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे वो भी इम्पोर्ट करते थे। कारण क्या था, यहाँ पे बहुत ही अच्छी किस्म के घोड़े मिला करते थे, और हम कह सकते हैं ये कारण है विजयनगर एम्पायर का कि भाई ये प्रॉस्परस तो था ही, तो बड़े अच्छे किस्म के जो हॉर्सेज है वो इम्पोर्ट कर सकता था, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते थे जब इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, कोई भी वॉर होता था किसी और रूलर से, तो विक्ट्री में एक हम कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हॉर्सेस का, जो इन्होंने अरब और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किए। अब जो पोर्चुगीज आए थे तो इनके पास टेक्नोलॉजी थी, इनके पास जो है हम कह सकते हैं बहुत सारे रिसोर्सेस थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया, और जो लोकल मर्चेंट्स थे कुदरई चेतीस इनको जो है रिप्लेस कर दिया उस ट्रेड से। सो दिस वॉज अबाउट आर डायनेस्टी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आपको जो है कई बार जो सुनने मिलेगा, एक जो हमारा टॉपिक भी है द नायकास, आई थिंक नायकास इज ऑल्सो वन ब्यूटी प्रोडक्ट, या इट इज ब्यूटी प्रोडक्ट, नायकास एंड अमर नायकास। ओके, सो ये क्या है, अमर नायकास है, नायकास एक्चुअली नायकास जो है वो चीफ रहते थे, मिलिट्री चीफ रहा करते थे, और अमर नायकास यानी कि कमांडर। सो अमर नायकास ऊपर होते थे, ऊपर से मतलब इनकी पोजीशन हाई होती थी। नाउ लेट मी टेल यू दैट जो अमर नायकास थे वो चीफ कमांडर, मिलिट्री चीफ कमांडर हुआ करते थे। नाउ लेट मी टेल यू दैट जो नायकास थे वो चीफ हुआ करते थे मिलिट्री में, और जो अमर नायकास थे वो कमांडर हुआ करते थे। अब रायाज में और इनमें रिलेशन क्या था, रायाज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रायाज कौन, जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे, और अमर नायकास इनमें क्या रिलेशन था, किस तरह का इनका कोऑर्डिनेशन चलता था। तो जिस तरह से आज पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, और जो यहाँ के गवर्नमेंट है उनमें जिस तरह के रिलेशन थे वही जो है यहाँ पे थे। कंफ्यूज हो गए, लेट मी क्लियर यू। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे रूलर्स जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि भाई यहाँ पे ये जो मिलिट्री चीफ्स हैं और जो कमांडर्स हैं ये पूरी की पूरी पावर पलट के ना रख दे, क्योंकि कई बार जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस हुआ करते थे और जितना भी सत्ता है सब अपने हाथ में ले लिया करते थे, ताकि ये कमांडर तो हुए ही साथ ही साथ रूलर भी बन गए। जैसा कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे और पॉलिटिकल साइंस के मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, तो मैंने बताया था जो पाकिस्तान में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर 5 ऑफ 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक, सो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, हाउएवर इट इज़ नॉट अ स्टेबल। सो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे था। सो जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, इनको लैंड गिफ्ट किया करते थे। इनका काम क्या था, जो फोर्ट
फोर्ट की रक्षा करना हुआ, बाउंड्रीज पे रक्षा करना हुआ, ये इन नायकास का ही काम होता था, क्योंकि ये मिलिट्री चीफ थे, कमांडर थे, इनकी सब जो है फौज तैनात होती थी। सो ज्यादातर ये कहाँ पे रहते थे, ज्यादातर जो है ये बॉर्डर्स पे ही रहा करते थे। इनको एम्पायर के बीच में ही रखा जाता था, मतलब मेन सिटी में नहीं रखा जाता था, जस्ट बिकॉज खतरे रहते थे इनसे भी। सो इनको ज्यादातर अलग ही रखा जाता था। इनके साथ कई बार जो है पीसेंट्स को भी भेज दिया जाता था, क्योंकि इनको मिलती थी लैंड। अब उस लैंड की देखभाल कौन करेगा, तो देखभाल के लिए पीसेंट्स रखे जाते थे जो कि इनके लिए खेती वगैरह करते रहे। अमर नायका जो थे उनके पास एक और काम था, वो था लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स किससे, जो ट्रेडर्स हुए, जो क्राफ्ट पर्सन्स हुए और जो वहाँ के पीसेंट्स हुए, उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करना इनका काम होता था। अब इनकी सैलरी कहाँ से आती थी, तो क्या रूलर्स देते थे, मतलब इनको तो टैक्स मिल ही रहा है। सो जो टैक्स कलेक्ट होता था ना, यानी कि जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था, रिवेन्यू से एक तो इन्होंने कुछ पोर्शन अपने लिए निकाल लिया, कुछ पोर्शन जो है इन्होंने बाकी एक्टिविटीज के लिए लगा दिया। और जो ये, क्योंकि अब मिलिट्री में है तो उसके लिए भी तो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वेपन्स चाहिए, जो हॉर्सेज इनको लेने हैं, तो वो सारा काम इनका ही था और वो उनका पैसा वहाँ पे खर्च वहाँ हो जाता था। टाइम टू टाइम ये रूलर्स को भी विजिट किया करते थे और रूलर्स जो है ये इंश्योर किया करते थे कि किसी भी वो अमर नायकास को एक प्लेस पे तैनात ना होने दे, उसकी पोजीशन चेंज करते रहे। जैसे कि एक IAS ऑफिसर जब ईमानदार होता है तो उसका ट्रांसफर सबसे ज्यादा होता है। हाउएवर ऐसा भी होता है कि जो करप्ट हो उसका भी करते रहते हैं ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ज्यादा करप्शन कर रहा है, दूसरा सिस्टम मिलेगा, फिर इसको बदलेंगे, फिर दूसरी जगह फेंक देंगे, तो हो सकता है भाई ये कम करने लगे। सो कुछ ऐसे यहाँ पे था, एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि एक जगह पे बैठ के ये अपनी दादागिरी ना करने लगे, इसलिए इनको अलग अलग जगह जो है भेजा जाता था। रूलर्स भी कुल मिला के इनका ध्यान रखते थे, भाई खुश रहना चाहिए इनको। और अमर नायकास वो तो फिर कूल थे कि भाई इनको क्या मतलब है। मैंने कहा कि स्पेशल कोई फेस्टिवल होता था और साल में जो है कोई भी बड़ा त्यौहार आया तो ये विजिट करते थे रूलर्स को। रूलर्स को विजिट करते थे तो अपने साथ जो है कुछ गिफ्ट लाते थे जो कि ऑफर किया करते थे रूलर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि जब भी आपको लिखना पड़ेगा अमर नायकास एंड नायकास के बारे में, मिलिट्री के बारे में, विजयनगरा, देन यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। नाउ ये किस तरह की भाषा बोलते थे, मतलब कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, तो ये जो लैंग्वेज बोला करते थे उसमें शामिल है तेलुगु एंड कन्नड़। और व्हाट द सिस्टम ऑफ अमर नायकास इज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन इन विजयनगरा एम्पायर। ये एक नई पॉलिटिकल इनोवेशन जो है इन्होंने की थी। अकबर की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और कहा जाता है कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग जो है, मतलब इतना प्रिसाइज सिस्टम किसी और का नहीं था। सो विजयनगरा एम्पायर में अगर हम बात करें तो बहुत ही इन्होंने एक नया पॉलिटिकल इनोवेशन किया था अमर नायकास को इंट्रोड्यूस करके। एक्चुअली जो नायका वर्ड है हम संस्कृत के हिसाब से देखेंगे तो उसमें है समारा। समारा यानी कि उसका मतलब होता है जो बैटल लड़े, जो युद्ध लड़े, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। यू नो व्हाट, जो कृष्णदेव राय के टाइम पे रेन था, जब इनकी डेथ हो जाती है 1529 में, तो जो नेक्स्ट इनके सक्सेसर्स आते हैं उनको परेशान जो है वो अमर नायकास ने ही सबसे ज्यादा किया है। यही कारण है कि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पाए, क्योंकि इनको लगातार जो है वो परेशान किया गया था। सो दिस वॉज अबाउट नायकास एंड अमर नायकास। नाउ आई हैव टू रेज दिस, क्योंकि मुझे अभी और भी टॉपिक समझाने हैं। सो लेट्स रेज दिस। नाउ आई हैव रेज दिस, सो सी द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज अ कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ एम्पायर। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एम्पायर के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे वो कौन कौन से थे। गजपति रूलर्स जो कि उड़ीसा पे आते थे, दक्कन के सुल्तान्स और रायास जो कि यहाँ के रूलर्स को कहा जाता था, यानी कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को कहा जाता था। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर एम्पायर है इसको कर्नाटक का समरा रामू, लेट मी राइट स्पेलिंग अदरवाइज मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी, कर्नाटक का समरिया मू। सो विजयनगर एम्पायर, और अदरवाइज आप ये टर्म भी यूज कर सकती है, क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस ने ये टर्म इसमें यूज किया है।
या वन मोर थिंग, कृष्णदेव राय जो कि तुलवा डायनेस्टी के थे, इन्होंने अपनी मदर की डेथ के बाद जो है एक टाउन बनवाया था जिसका नाम था नागलपुरम। सो विजयनगरा के पास ही था ये नागलपुरम, और जो कि इन्होंने अपनी मदर की डेथ के बाद बनवाया था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस बार से पैटर्न चेंज हो गया हिस्ट्री का। हो सकता है आपका जो वन मार्क्स से क्वेश्चन आए तो उसमें ये पूछा जा सकता है। सो उस टाउन का नाम है नागलपुरम। रूलर्स ऑफ दक्कन सुल्तान जो थे, इनको जो है अश्वपति बोला जाता था, क्योंकि इनके पास जो है वो बेहतरीन हम कहें घोड़े रहते थे। और उड़ीसा गजपति, गजपति यानी कि वहाँ पे हाथी बहुत हुआ करते थे, और ये रायास थे। सो यहाँ पे जो वर्ड है वो सिंपली नहीं दिया गया है, हाथी बहुत अच्छी किस्म के थे इसलिए उन्हें गजपति बोला जाता था। वहाँ पे अश्वपति यानी कि दक्कन एरिया में अश्व बहुत अच्छे थे इसलिए उनको अश्वपति बोला जाता था। Now next we are having is regarding Nayakas. Yeah, one more thing is that जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने टाइटल जो है एक अडॉप्ट किया था जो था द एम्पायर ऑफ यवंस। यवंस क्या होता है एक्चुअली, यवन जो है उसका मतलब है जो नॉर्थ से काफ़ी ज़्यादा उस वक्त अटैक हुआ करते थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अटैक किया करते थे, इसलिए यवन मतलब एक ऐसा रूलर जो इन सब से बचाए, जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे बचाए। सो यवन जो है इन्होंने शब्द यूज किया, यवन किंगडम भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिगार्डिंग नायकास, एक्चुअली आई हैव टू राइट हियर अमर नायकास। We have already talked about it, but I like to tell you again. So, अमर नायकास का काम क्या था, इनको लैंड दी गई थी, रिवेन्यू कलेक्ट करना होता था वहाँ से, जो रिवेन्यू मिला उसके बाद ये ट्रिब्यूट देते थे राजास को। कई बार ऐसा होता था कि जो अमर नायकास है वो इंडिपेंडेंट अपना एक किंगडम भी बना लेते थे, काफ़ी ज़्यादा रेबिलियस हो गया, पता चला जिस पोर्शन में ये तैनात थे जहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी, सो उस एरिया को इन्होंने अलग कर लिया एम्पायर से। वाटर रिसोर्सेज, ओके, सो द वन ऑफ द मोस्ट important or we can say a significant feature of Vijayanagara empire was the river basin formed by Tungabhadra river. Tungabhadra river se jo river basin banaya jata tha bahut hi important tha. In fact yahan pe ek tank bhi tha 15th century mein jo banwaya gaya tha, and us tank ko aaj ke naam pe jo hai wo Kamalapuram टैंक के नाम से जानते हैं, यानी कि आज के टाइम पर। सो इसको कमलापुरम टैंक के नाम से जानते हैं, ये मॉडर्न नेम है। यू नो द एरिया जो कैपिटल थी वो चारों तरफ से हिल्स से कुछ इस तरीके से सराउंडेड थी दैट ये लगता था कि ये गिर्डल हो, गिर्डल यानी कि करधनी। सो कुछ ये जो है ज्वेलरी होती है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ से बढ़िया एक गिर्डल क्रिएट हो गई हो। अब यहाँ पे कई सारे रिजर्वायर बनवाए गए, ज़्यादातर ये ध्यान रखा जाता था जो भी रिवर है उसके आसपास जो भी सेटलमेंट होते थे तो रिजर्वायर बनवा दिया जाए, कैनल बनवा दी जाए, ताकि पानी की कमी पूरे के पूरे एम्पायर में बिल्कुल भी ना हो, और कभी हुई भी नहीं है क्योंकि ये जो है रिवर के पास भी था एम्पायर। मैंने कहा आपको ये तुंगाभद्रा रिवर, कृष्णा वैली वहीं के पास था इसलिए पानी की कमी तो कभी नहीं हुई। अब खंडर भी मिले हमें, खंडर जो है एक हीरिया कैनल जो यहाँ पे पहले एग्जिस्ट करती थी, इसके जो है रूइंस यहाँ पे मिले। नाउ दिस हीरिया कैनल जो है वो सेपरेट करती थी जो तुंगाभद्रा रिवर पे डैम बना था, अब उसके पानी को सेपरेट करती थी जो सेक्रेट सेंटर था और जो अर्बन कोर्ट था, इन दोनों ही पार्ट में जो है अलग अलग जगह से वाटर सप्लाई होती थी। सो दोनों जगह वाटर जाता था। वन मोर रीजन वी कैन से दैट इतना ज़्यादा प्रिसाइज सिस्टम था वाटर रिसोर्स का, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये जो एरिया, ये पेनिनसुला एरिया जो है वो सेमी एरिड जोन है, इसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि ये इंश्योर किया जाए रेन वाटर को स्टोर करना, टैंक बनवाए जाए प्रॉपरली, बाढ़ आने से भी रोका जाए क्योंकि ये रिवर के पास भी था। सो ये जो है इस तरह का कुछ वाटर रिसोर्स था। नाउ अगर कुछ क्वेश्चन आता है इसमें तो आपको किस चीज़ के बारे में मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन अबाउट द रिवर्स सबसे पहले, तो उसके बाद तुंगाभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर। आफ्टर दिस यू हैव टू मेंशन जो डैम बना था वो तुंगाभद्रा रिवर पर बना था। अब उस टैम से पानी कहाँ जाता था, रॉयल सेंटर को किस तरह से सप्लाई होती थी पानी की, रॉयल सेंटर यानी कि जो पैलेसेस हैं किंग के वहाँ पर भी तो पानी जाता था, तो वो भी इन्हीं डैम से जाता था। और किस तरह से ये जो पानी है वो एक सेक्रेट सेंटर और अर्बन कोर को अलग करता था। You have to mention all these key points. Now next topic we are having is fortification and roads. So Razak description. Who was Razak?
रजाक जो है वो 15th सेंचुरी का एक ट्रेवलर है जिसको पर्शिया के रूलर ने भेजा था एज एम्बेसडर इन विजयनगर एम्पायर की, भाई जाओ और वहां पे रहो। सो ये जब यहाँ पे आया, यानी कि रजाक जो है जब विजयनगर एम्पायर आया, ही वॉज अमेज्ड जब उसने फोर्टिफिकेशन देखा और रोज से ही He was just like it is adorable क्योंकि जो जिस तरह का सिस्टम था, इनफैक्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप भी यही सोचेंगे कि यार मतलब क्या सोचने वाले की दाद देनी चाहिए कि भाई कितनी अच्छी तरीके से जो है उसने ये सोचा। फर्स्ट थिंग इज दैट उसने कुछ लेयर्स देखी जो पूरी सिटी को कवर करती थी। लेयर्स किस तरह की, ये वॉल्स बनी हुई थी, पिलर्स की, पिलर्स पे वॉल्स थी जो कि अगर मैं आउटर लेयर की बात करूँ जो हिंटरलैंड, एग्रीकल्चर हिंटरलैंड और फॉरेस्ट्स को कवर करती थी, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर ट्रैक्स हुए और हिंटरलैंड हुई, फॉरेस्ट्स हुई, ये इसके अंदर आ जाती थी। मैंने कुछ ऐसे सर्कल्स है यहाँ पे ड्रॉ किया, सो इसके अंदर सारी जो है एग्रीकल्चर हमारी हिंटरलैंड हो गई और बाकी सारी चीजें ये फॉरेस्ट्स भी इसके अंदर हो गए। अब एक और लेयर थी एकदम सबसे अंदर जो वाली लेयर थी, वो क्या करती थी, जो पैलेसेस हैं उनको इनसर्कल करती थी। सो पैलेसेस इसके अंदर होते थे, ये क्या हो गया एक सिक्योरिटी का हम कह सकते हैं इंतजाम था कि कोई अटैक ना कर पाए। अब अटैक करने के लिए कोई कैसे करेगा, भाई इसको अंदर आना होगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे देखिए मैंने लिखे भी हैं, हम सर्किट अगर डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट सर्किट है वो ट्रैक्स को सराउंड करता है, यहाँ पे अंदर जो है ट्रैक्स आ गए। सेकंड सर्किट जो है वो अर्बन कोर, यहाँ पे अर्बन कोर था जो अर्बन लाइफ थी, यहाँ पे लोग वगैरह रहा करते थे। एंड थर्ड सर्किट जो है वो रॉयल सेंटर को कवर करता है। सो तीनों सेंटर हो गए। लेट मी टेल यू इन डिटेल, द आउटर मोस्ट वॉल लिंक द हिल्स टू द सिटी। सो जो आउटर मोस्ट वॉल है वो हिल्स को सिटी से कनेक्ट करती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया था इसमें ना तो मोर्टार यूज की गई ना ही कोई बिल्डिंग मटेरियल यूज किया गया। अब बात ये आती है कि जब इन्होंने पिलर को ऐसे खड़ा किया उसके ऊपर जो है मैसिव स्ट्रक्चर के वेज शेप्ड के जो है इन्होंने स्टोन्स रखे, तो ये क्या किस तरह से स्टेबल रहेगा, यानी कि गिरा नहीं, सीमेंट वगैरह का क्या यूज नहीं किया किया होगा। सो मेसोनरी स्ट्रक्चर वाज स्लाइटली टेपर्ड एंड नो सीमेंट और एनीथिंग वाज यूज्ड व्हाइल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो स्टोन ब्लॉक्स थे वो वेज शेप्ड के थे, वेज, ठीक है, ये वेज मत समझना, मेरा मतलब है वेज, वेस्ट शेप के जो है वो स्टोन्स यूज किए गए, ब्लॉक्स यूज किए गए। एंड दोज वेस्ट शेप ब्लॉक हेल्प टू होल्ड दैट स्ट्रक्चर एंड द इनर पोर्शन वाज ऑफ अर्थ पैक्ड रबल्स। जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बाशन यूज किए गए उनको बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया ताकि अंदर से जो है वाटर भी फ्लो हो सके। ना सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये फोर्टिफिकेशन किया क्यों गया था। सो फर्स्ट रीजन जो हमारे पास है वो ये, जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि जब भी इन्वेडर अटैक करते हैं तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स हैं उनको जला देते थे। तो यहाँ पे जो राइस सो की गई थी, जो भी फसल उगाई गई थी उसको प्रोटेक्शन मिले। अब दूसरा कारण ये है कि अर्बन कोर है अंदर, अब देखना एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है तो पूरी सुविधा की गई कि जो कैनल्स है, कैनल से यहाँ पे वाटर आता था और पूरे एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स में सप्लाई होता था। सो इरिगेशन का इंतजाम इन्होंने पहले से ही किया था। अब यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर के लोगों ने, यानी कि यहाँ के जो रूलर्स ने ये फोर्टिफिकेशन अपनाया, ये थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव भी था। वेल्थ की तो हम बात करते हैं, यहाँ पे वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो वेल्थ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी एंड थोड़ी स्ट्रेटजी भी चाहिए थी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ इस फोर्टिफिकेशन को ऑब्जेक्टिव हम ये भी कह सकते हैं, जो पहले सीज हुआ करती थी, सबसे पहले जो चीज़ें लूटा करती थी उसमें एग्रीकल्चर ट्रैक्स था और सबसे पहले उसी को लूट लेते थे। बट यहाँ पे जो है वॉल्स काफ़ी ज़्यादा हाई थी तो अंदर घुसना किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही था। सो फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। नाउ वी आर हैविंग इज रॉयल सेंटर कंसिस्टिंग 60 टेम्पल। एज आई सेड दैट थर्ड जो सर्किट था वो रॉयल सेंटर को सराउंड करता था। सो यहाँ पे टोटल 60 बिल्डिंग्स मिली, टोटल 60 बिल्डिंग्स, और हम इसमें कहें तो 30 बिल्डिंग्स ऐसी थी
जो कहा जा सकता है कि ये पैलेसेस थी, क्योंकि बाकी ऑर्डिनरी थी, ये थोड़ी डिस्टिंक्टिव थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। द फोर्ट वॉज वेल गार्डेड गेट्स, मतलब वहां पे जो है वेल गार्डेड गेट्स थे जहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते थे, और रोड जो है वो रॉयल सेंटर की रोड जो है वो सिटी से कनेक्ट करती थी और सभी मेजर रोड से कनेक्ट किया करती थी। सो इससे जो हमारी रोड्स वाला है उसके बारे में पता चलता है कि क्या एक्सेस था क्या नहीं था, क्योंकि रॉयल सेंटर से, ये देखना ये जो हम 3 layers की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर कोई रोड है तो ये कनेक्ट करती है, सेकेंड लेयर में ये गई, थर्ड में, और बाहर जब ये जाती थी तो जितने भी मेजर रोड्स थी उनसे ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो गई। जो गेट्स थे उनपे एक तरह की आर्क दी, अच्छा आपने देखा होगा कुछ इस तरह के जो है आपको गेट्स मिल जाएंगे, दीज आर द डोम्स टाइप। सो ये जो आर्क थी ना, ये सुल्तान जो थे दक्कन के और आसपास के जो सुल्तान थे, बीजापुर, अहमदनगर, सो इनके जो स्टाइल है वो अपनाया गया था। इस स्टाइल को जो हिस्टोरियंस इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स, ये सारी चीज़ें जो आइडियाज है एक दूसरे से अपनाएगा, यानी कि गोपुराम मंडपम्स तो आपको मिले ही हैं, जो इंडो इस्लामिक स्टाइल है वो भी यहाँ पे अपनाई गई थी। नाउ हम अर्बन कोर में जाते हैं, ये सेकेंड लेयर जो है हमारी। अर्बन कोर में हमें कुछ चाइनीज पोर्सिलिन के एविडेंसेस मिलते हैं हिस्टोरियंस को। चाइनीज पोर्सिलिन यानी यहाँ पे कुछ अमीर लोग आया करते होंगे और यहाँ पे रहा करते होंगे, कुछ ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग्स मिली, टेंपल्स मिले, यानी कि माहौल जो है वो कुछ इस तरह का था, मिक्सअप था, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग जो है थे। जब स्ट्रिंग्स भी हैं, मॉस्क्यूज भी हैं यहाँ पे, टेंपल्स भी हैं, यानी कि हर तरह के लोग हुआ करते थे। एक पोर्चुगीज ट्रैवलर जिसका नाम था दुआर्ते बारबोसा, उसने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया घरों को। अदर हाउसेस ऑफ पीपल आर थेस्ट, थेस्ट कुछ इस तरह के होते, ये बंगाली जो एरिया है वहां पे भी पहले कुछ इसी तरह का सेटलमेंट था, जो कि हम चैप्टर 11 में पढ़े, इनफैक्ट चैप्टर 10 है वो, उसमें हम पढ़ेंगे। सो जो अदर पीपल हाउसेस थे वो थेस्ट थे, बट ये बहुत ही वेल अरेंज्ड मैनर में बने थे, यानी कि आप मान लीजिए अर्बन कोर में एक मेन मार्केट हो गया, मेन मार्केट के बाद स्ट्रीट है, स्ट्रीट में सीधे घर बने हुए हैं, वेल मेंटेन है, काफी अच्छे से बने हुए हैं, और जो रिच ट्रेडर्स के घर हैं वो अलग दिख जाते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है। अब जो वाटर रिसोर्सेज है इनकी कैनल से फुलफिल होती थी, यानी कि जो ऑर्डिनरी ज्वेलर्स थे वहां के। सो हैव यू कंप्लीटेड आवर दिस टॉपिक? ओके, सो आई हैवंट कवर्ड दिस। करेयक्कल जो है वर्ड यूज किया जाता था वीवर्स के लिए, चूंकि हमने अर्बन कोर की बात की तो ये चीजें जरूरी है। विप्रा वियोदिन, ये जो है ग्रुप था, इसमें आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये सारे लोग जो है वो आया करते थे। अब देखिए यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में लो कास्ट पीपल किनको कहा जाता था, कौन कौन सी कास्ट थी? दोम्बर, मारवा, जोगी, परैयान, बोई, कलौर, इनफैक्ट मैं अपनी थोड़ी राइटिंग यहाँ पे पहचान नहीं पाई, बोई, कलौर, ये जो है वो नीचे कास्ट के लोग कहलाए जाते थे विजयनगर एम्पायर में। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग इज डाउनफॉल ऑफ एम्पायर। अब यार मतलब इतना प्रॉस्परस था, हर चीज थी इनके पास, तो फिर इसका डाउनफॉल क्यों हुआ? सी द फर्स्ट वन, वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। ये एक फैक्टर हुआ, पूरा फैक्टर नहीं, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? वीकनेस एंड इनकैपेबल सक्सेसर, या सक्सेसर ही मतलब थे ही नहीं सही, जिसकी वजह से ये इसका डिक्लाइन हुआ। बार बार जो है मिलिट्री चीफ जो अमर नायका से उनके हाथ पे पावर आ जाती थी और सक्सेसर जो है वो नाम मात्र का रूलर रह जाता था। नेक्स्ट फैक्टर वी आर हैविंग इज थर्ड फैक्टर, लग्जीरियस लाइफ ऑफ पीपल। भाई लोगों को आराम तलब जिंदगी जीने की आदत हो गई थी, बहुत महंगी महंगी चीजें इम्पोर्ट किया करते थे और एक टाइम पे फिर सारी वेल्थ खत्म हो गई। वेरियस डायनेस्टीज, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, कोई स्टेबल नहीं रही, किसी का जो शासन होता है वो अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्मी, यस आर्मी जो है यहाँ की वो रेबिलियस थी। सो जो मिलिट्री लीडर्स थे अमर नायकाज एंड नायकाज, इन्होंने रेबल किया, जिसकी वजह से भी एक डिक्लाइन कह सकते हैं हम इसका डाउनफॉल। कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर बहामनी एम्पायर, बहामनी एम्पायर के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल में आसपास के एरिया को लेने की बड़ी झड़प थी, ये एक फैक्टर हो गया। एंड द लास्ट वी आर हैविंग इज बैटल ऑफ तलीकोट, बैटल
आई मीन टू से बैटल ऑफ तलीकोट के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर आप समझ लीजिए असली शुरुआत, मतलब खत्म नहीं हुआ था विजयनगर एम्पायर 1565 में, क्योंकि बैटल ऑफ तलीकोट तभी हुआ था, राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जानते हैं इसको, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया था। जैसे कि कहा जाता है औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म, बट ऐसा नहीं हुआ था, बहादुर शाह जफर उसके बाद हुआ था। क्योंकि हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि बाद में जो सक्सेसर्स आए वो इतने कैपेबल नहीं थे। अब देखिए रॉयल सेंटर जो कि थर्ड हमारा सर्किट था उससे सराउंडेड था, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म मिले। पहला था महानवमी दिब्बा जो कि एक रिचुअल से एसोसिएट किया जाता था, और दूसरा था ऑडियंस हॉल। ये दोनों ही बहुत ही इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं हम सराउंडेड बाय अ हाई डबल वॉल। ओके, मीन टू से दैट द एंटायर कॉम्प्लेक्स वाज सराउंडेड बाय अ डबल वॉल एंड अ स्ट्रीट रन बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच से जो है वो गलियां निकलती थी। अब एक इसकी हाइट थी, एक हाइट पे जो है ये जो ऑडियंस हॉल था वो एक हाइट प्लेटफॉर्म था, एंड पूरे में जो है यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए थे वुडन पिलर्स के लिए जो कि एक इंटरवल में सेटअप थे। इसमें एक स्टेयर केस भी था, उस स्टेयर केस से जो है वो सेकंड फ्लोर पे जाया जा सकता था, विच रेस्ट इज ऑन दीज पिलर्स जो कि इन पिलर्स पे था। अब ये जो पिलर्स थे इनमें स्पेस कम था, सो वी डोंट नो दैट ऑडियंस हॉल्स यूज किस लिए किया जाता था। लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्लेटफॉर्म दैट वाज द हाईएस्ट इन द सिटी। सो ये जो प्लेटफॉर्म था महानवमी दिब्बा, ये 11,000 स्क्वायर फीट बेस था इसका, एंड हम कहें हाइट, हाइट वाज अ 40 फीट, 40 फीट की हाइट पे। यू कैन आल्सो सी द फिगर व्हिच इज गिवन इन योर बुक। नाउ इट इज सेड दैट ये जो स्ट्रक्चर है ये सपोर्टेड था वुडन प्लेटफॉर्म से, एंड प्लेटफॉर्म कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग्स। अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा, रिलीफ कार्विंग से मतलब है कुछ इस तरह की वहां पे डिजाइन बनी थी। अब कैन से दैट ये जो है प्लेटफॉर्म ये किसी रिचुअल से एसोसिएट किया जाता था, क्योंकि इसका आप नाम देखेंगे महानवमी दिब्बा। सो इट मीन्स दैट द 10th डे ऑफ हिंदू फेस्टिवल जो कि ऑटम सीजन के सेप्टेम्बर अक्टूबर में मनाया जाता है। सो हर जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और महानवमी। सो ये जो है नाम यूज किए जाते हैं। वी कैन सी दैट द विजयनगर एम्पायर शोज देयर पावर, प्रेस्टीज एंड सोवरेनिटी ऑन दिस ओकेजन। सो इस टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल्स यानी कि बहुत सारे जो है वर्शिप हुआ करती थी, वर्शिप ऑफ आइडल, वर्शिप ऑफ स्टेट हाउस, और जो अमर नायकाज है वो ट्रिब्यूट लाते थे, कई सारे जो है सेक्रीफाइसेस कराए जाते थे। सेक्रीफाइसेस यानी कि बलि दी जाती थी, जानवरों की दी जाती थी बलि, जिसमें जो है गाय भैंस शामिल है। अमर नायकाज जहाँ जहाँ से थे अलग अलग, मतलब ये जो एक फंक्शन होता था इसमें दूर दूर से लोग आते थे, आसपास के जो रूलर्स हैं वो भी आया करते थे इसको अटेंड करने के लिए। ओके, सो देयर आर आल्सो अदर बिल्डिंग्स सच एज लोटस महल। लोटस महल जो है वो एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो कि रॉयल सेंटर में पाई गई ब्रिटिश। अब इसका नाम कैसे रखा गया, एक्चुअली जो ब्रिटिश आए थे जिनका पहली बार इससे एनकाउंटर हुआ था, तो उन्होंने इसका नाम जो है लोटस महल रख दिया। एक्चुअली वी डोंट नो दैट लोटस महल का यूज किस लिए किया जाता था, बट एक सजेशन जो है वो कॉलिन मैकिंसली देते हैं कि ये जो है काउंसिल चैम्बर हो सकता है जहाँ पे किंग और उनके एडवाइजर मिला करते थे। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग जो कि हमें यहाँ पे एक और मिलती है जिसका नाम है हजारा राम टेम्पल। हजारा राम टेम्पल जिससे सेंट्रल शिन मिसिंग है, तो हमें ये नहीं पता चल सकता है कि भाई ये किस लिए यूज की जाती थी, यहाँ पे क्या होता था, बट ये किंग और उनकी फैमिली के द्वारा ही यूज की जाती थी और कोई इसको यूज नहीं करता था। दूसरी बात, यहाँ पे इसकी जो वॉल्स है हजारा राम टेम्पल में, यहाँ पे रामायण की जो स्टोरीज है वो इनग्रेव्ड है, तो इसका कोई रिलेशन रहा होगा इससे, वी डोंट नो अबाउट इट। अब जब विजयनगर एम्पायर को सेक्ट कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है, इसके बाद जो नायकास बची वो कंटिन्यूसली इन प्लेटफॉर्म्स को रिबिल्ड कराते रहे, उनके लिए पैसा लगाते रहे, बट इसी का कारण है कि आज हमें कुछ बिल्डिंग्स मिली हैं और कुछ नहीं मिली हैं। अदरवाइज ऐसा होता कि ना तो आज हमें लोटस महल मिलता, जस्ट बिकॉज तभी तो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में। जब आपको कभी भी चांस मिले देन प्लीज विजिट दिस प्लेस, क्योंकि जब भी आप हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर, आपने उस बिल्डिंग को पास से देखा है तो आपके अंदर एक विजन रहता है कि हाँ भाई ये इस तरह की है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज द सैक्रेड सेंटर। सो इसका पहला हम देखते हैं चूजिंग अ कैपिटल। नाउ इफ वी विल सी द विजयनगर, तो ये जो है ये काफी नॉर्थ में है, यानी कि नॉर्थ एरिया में है, साउथ में तो है
लेकिन नॉर्थ वेस्ट एरिया में लोकेटेड है और ये काफी ज्यादा रॉकी है, मतलब रॉकी प्लेस है। और यहाँ ये जो सिटी है वो तुंगभद्रा रिवर के एंड पे भी लोकेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन ऐसा कहा जाता है कि जो वाली सुग्रीव, जिनका रामायण में आपने नाम सुना होगा, तो वाली सुग्रीव दोनों मंकी ही थे। सो ये मंकी को शेल्टर किया था इस किंगडम ने, मतलब ये जिस हम सिटी की बात करें यहाँ पे ये आए थे। सो ये एक ट्रेडिशन लिंक हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो वीरूपाक्ष टेम्पल है वो भी था। पंपा देवी एक देवी थी जिन्होंने वीरूपाक्ष भगवान से शादी करने के लिए यहाँ पे बहुत टाइम तक पेनांस किया था, यानी कि तपस्या की थी, एंड फाइनली जो है बाद में उनकी मैरिज हो जाती है। और हर साल यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें वीरूपाक्ष जो भगवान है, यानी कि ये फॉर्म है शिव के, और जो पंपा देवी है, इन दोनों की मैरिज होती है यहाँ पे। सो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन मनाया जाता है। नॉट ओनली दिस, जो प्री विजयनगर एम्पायर है उसमें यहाँ पे जैन टेम्पल्स भी है। अल्टीमेटली बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे सेक्रेट प्लेसेस जो है वो एसोसिएट की जाती हैं इस सिटी से। अगर हम स्टोरी देखें कि यहाँ पे ये टेम्पल्स, वीरूपाक्ष टेम्पल जो है और जितने भी विशाल टेम्पल बनाए गए वो कैसे बनाए गए, इनकी हिस्ट्री काफी लंबी है। टेम्पल्स एक्ट सेंटर हुआ करते थे लर्निंग के लिए। बिसाइड दिस, जो राजा थे उनके लिए टेम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो टेम्पल्स हैं, जो होयसराज हैं और जो चोलाज हैं, इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इन टेम्पल्स को बनवाने के लिए और मेंटेन बराबर किया करते थे। सो हम कह सकते हैं जो टेम्पल्स थे वो सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी का एक हिस्सा थे और बहुत सारी चीज़ें ये रेगुलेट करते थे। कई बार किंग्स ने जो है लैंड भी ग्रांट की है इन टेम्पल्स को बनवाने के लिए। जब भी कोई राजा, जब भी कोई रूलर कोई भी टेम्पल विजिट करता था तो ये एक ओकेजन की तरह मनाया जाता था। आपने देखा है जैसे कि अगर पीएम है, पीएम कोई मंदिर जा रहे हैं तो उनके साथ कौन जाएगा, उनके बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे, उनके जो चीफ एडवाइजर्स है वो भी जाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग उनके साथ जाते हैं। कुछ इसी तरीके से, अब भाई वो नॉर्मल मंदिर ही क्यों ना जाए, लेकिन क्या होगा, एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाएगा। अभी बात है, प्रेसिडेंट आए थे, दतिया का एक बहुत ही फेमस मंदिर है पीताम्बरा, सो इनफैक्ट मैंने अपनी स्टडीज वहां से की है। सो वहां पे प्रेसिडेंट जब आए थे, देखिए मैं भी जाती हूँ वो मंदिर, सिंपली हम जाते हैं, इनफैक्ट काफी अच्छा मंदिर है। सो वहां पे जब प्रेसिडेंट आए तो उसका नजारा देखने लायक था, मतलब टोटली डिफरेंट, ऐसा लग रहा था कि मैं दतिया में हुई नहीं, जैसे बहुत ग्रैंड सेरेमनी हो रही हो। सो उसी चीज को मतलब एक ओकेजन की तरह सेलिब्रेट किया जाता था जब भी कोई रूलर जाता था। अब रूलर क्या करते थे, एक और चीज थी, वो अपने आप को एसोसिएट करते थे इन भगवान से। भगवान से कैसे, जितने भी ऑर्डर्स पास होते थे वो वीरूपाक्ष जो भगवान है उनके नाम से इनको पास किया जाता था। जैसे कि साइन होते हैं ना कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, तो वीरूपाक्ष जो भगवान थे उनके नाम से ही साइन हुआ करते थे, तभी पास हुआ करते थे। तो एक चीज ये हो गई। बाकी दूसरे स्कल्पचर्स भी, पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स जो हैं वो भी इन टेम्पल्स में रखवाए गए राजाओं के द्वारा। विजयनगर एम्पायर एसोसिएट देमसेल्फ इन बिहाफ ऑफ वीरूपाक्ष, कैसे वो अपने आप को कहते थे कि हम जो है वो हिंदू सुत्रना है, हिंदू सुत्रना मतलब जो हिंदू सुल्तान है वो अपने आप को इस तरह का टाइटल दिया करते थे। सो चूजिंग अ सिटी, यार आई वाज चूजिंग अ कैपिटल वाज अबाउट सो पुराण्स एंड मंदपास। अब कुछ न्यू तरीके के, न्यू सिग्निफिकेंट जो हैं आर्किटेक्चर स्टाइल अपनाई गई, उसमें से थी गोपुराम। गोपुराम यानी कि हम कह सकते हैं रॉयल गेटवेज, जो यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ करके बताई थी और मैं आपको बताऊंगी, जो आपने शेप देखा होगा, मीनाक्षी मंदिर भी देखा होगा, मतलब ये ऊपर से नीचे और ब्रॉड होता जाता है। Such kind of structures were built just because they signal the presence of temple from a great distance also. आप दूर से भी पता लगा सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे जो है मंदिर आने वाला है। Not only this, but such kind of temples or such kind of architectural design also symbolize the power of kings, their techniques, skills. इससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ के रूलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अब भाई आप किसी सिटी जाते हो, कोई साफ है गंदी है, क्या कंक्लूजन निकालते हो, यहाँ की सरकार यार ठीक से काम करती है। मैं आपको बताऊँ, हाँ जो MP की सड़कें हैं वो एक्चुअली बहुत हालत ख़राब है। इनफैक्ट मैं जितने MP के एरियाज विजिट किए हैं मैंने, मुझे तो अभी यही कंक्लूजन निकाला है मैंने कि भाई यूपी के सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं दतिया जब जाती थी पूछो मत कितनी बुरी हालत होती थी, बस मुझे अगर मैं टैक्सी में ऑटो में बैठी, बस मुझे लगता था भगवान
मेरे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जितने भी और लीवर है, जो हमारे लंग्स वगैरह हैं, सब कुछ मिला के बस ये इधर उधर ना हो जाए, इनको उन्हीं के प्लेस पे रखना। क्योंकि यार इतनी ज्यादा रोड में गड्ढे गड्ढे में रोड, समझ में ही नहीं आता था। इससे क्या, जो टेम्पल्स बनाए जाते थे वो पावर्स भी सिंबलाइज करते थे किंग की, वो किंग कितना पावरफुल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंडपास। मंडपास क्या है? देखिए गोपुराम भी, अगर आपको अभी समझ में ना आया हो, गोपुराम कुछ ऐसा, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको, यहाँ पे ड्रॉ किया, कुछ ट्राइंगुलर शेप लेते हैं हम और यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाते हैं। ओके, जस्ट सपोज कर लो इसको। अब ये क्या है, इतना जब हैवी स्ट्रक्चर आएगा ना नीचे, जो मेन श्रिंक का गेट होगा ना, वो काफी ज्यादा ड्वाफ हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा लगने लगेगा। मंडपास क्या थे? ये पिलर थे, स्ट्रेट पिलर, जो कि पूरे कॉरिडोर में होते थे, सच ऐसे। अब यहाँ पे मेन श्रिंक है और श्रिंक के चारों तरफ ये बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर नोन एज अ मंडपास। सो मंडपास मीन्स अ पेविलियन, ये जो है स्ट्रेट पिलर्स हुआ करते थे। अब देखिए दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक तो हो गया विरूपाक्ष टेम्पल का, एक हो गया विट्ठल टेम्पल का। इन दोनों ही टेम्पल में आपको दोनों ही तरह के जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल है वो मिल जाएगी, गोपुराम भी मिल जाएंगे और मंडपास भी मिल जाएंगे। अब चलिए, अगर मैं विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहा हूँ तो हिस्ट्री के हिसाब से बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, बट कई सारे ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि 9th और 10th सेंचुरी में ही बना था। एक्चुअली क्या था, ये मंदिर तो पुराना था, बट जब विजयनगर एम्पायर का जैसे जैसे यहाँ पे रॉब बढ़ता है, यानी कि एक्सेशन बढ़ता है, तो यहाँ के जो रूलर्स हैं ये इस मंदिर को भी बड़ा करवाते जाते हैं। अब एग्जिस्टेंस में था उसको तो तोड़ नहीं सकते थे, उसी में इन्होंने ऐड कर दिया। अब कृष्णदेवराय ने जो है यहाँ पे बड़ा ऑडियंस हॉल बन, मतलब एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था टू शो हिज एक्सेशन। सो जो ये हॉल बना था ये मेन स्ट्रीम के सामने ही बना था, एंड इट वॉज कार्व्ड विथ पिलर्स। अब इसके अलावा ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द व्हाट टू से दैट ईस्टर्न गोपुराम, ईस्टर्न साइड जो गोपुराम है वो भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। यू नो व्हाट, व्हाट वी गेट कंक्लूजन इन सभी चीजों से क्या पता चलता है कि जो मेन श्रिंक थी वो धीरे धीरे छोटी होती गई। अब भाई एक बहुत बड़ा टेम्पल था, उस एग्जिस्टिंग टेम्पल में जो है हॉल बनवा दिया गया, वो वहां पे उसको जो है पिलर्स को इनक्रेप्ट करवा दिया गया। सो इससे क्या हुआ, जो मेन श्रिंक है वो छोटी हो गई। कैन यू थिंक दैट इस हॉल को क्यों बनवाया गया था? हो सकता है इस हॉल को इसलिए बनवाया गया हो कि कोई ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, तो जो भी एक्टिविटीज होती है जैसे कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा, तो ये सारी प्रैक्टिसाइज की जा सके, और कोई स्पेशल ओकेजन पे जब जो मेन स्ट्रेन है हमारी उसको भगवान को हम बाहर लाते हैं, जो झूला झुलाया जाता है ना, तो हो सकता है वो सेटअप किया जाता हो, फिर बाद में भगवान को झूला जलाया जाता हो। सो और हो सकता है गैदरिंग के लिए जब पूजा होती हो मेन, तो तब सभी लोग जो है उस हॉल में इकट्ठे होते हो और फिर भगवान की पूजा करते हो। Maybe. Let's talk about Vitthal Temple, which I have not written here. I should. So, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ टॉपिक्स जो कि मैं डायरेक्टली आपको समझा रही हूँ। विट्ठल टेम्पल की बात कर लिया था, विट्ठल टेम्पल, विट्ठल जो है भगवान, ये जो है प्रिंसिपल डाइटी है और इनकी पूजा महाराष्ट्र में की जाती है विट्ठल के नाम से। ये विष्णु भगवान की ही एक फॉर्म है। नाउ लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसा था, एंड इट इज लाइक यू नो गोपुराम। गोपुराम जो है, एक्चुअली एक और गोपुराम का फीचर बताऊं, गोपुराम जो है वो दूर से ऐसा लगता है जैसे कि ट्राइंगल हो, बट ये ट्राइंगल नहीं है, ये इस शेप का है। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मुझे कुछ इस तरह का ड्रॉ करना चाहिए था। सो ये जो है हमारा गोपुराम है। सो विट्ठल टेम्पल भी कुछ ऐसे ही है, बट यहाँ पे कैरियोट बने हुए हैं और जितने भी जो स्टोरीज है ना, वो स्टोरीज उस स्कल्पचर में पूरी की पूरी नैरेट की हुई है। एक्चुअली स्ट्रीट्स पेव्ड विथ स्लैब्स, एंड यहाँ पे जो है पेविलियंस है। यहाँ पे जो विट्ठल टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे हॉल्स है, बहुत सारे श्रिंक्स हैं और इसको बहुत बड़ा बनाते हैं। अल्टीमेटली यू गेट टू नो दैट किस तरह से गोपुराम और मंडपास का यूज किया गया। गोपुराम हमेशा याद रखना है ये होता है, मंडपास एकदम स्ट्रेट पिलर्स होते हैं। कई सारे गोपुराम जो है वो नायकास ने भी बनवाए और जो मंडपास है वो भी नायकास के द्वारा फंडेड किए गए। अब मैंने एक टॉपिक और नहीं लिखा है जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। लेट मी गिव यू आइडिया दैट आज के टाइम पे जब इसका सर्वे किया गया, यानी कि 20th सेंचुरी में जब इसका सर्वे किया गया, तो किस चीज, किस तरह से इसका सर्वे किया गया। सो
पहली बात तो ये, जब पहली बार 1976 में लोगों का अटेंशन इस पे आया और इसको जो है नेशनल हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम उसके अंतर्गत जो है इसको प्रिजर्व कर लिया गया, और जी कॉलिन मैकिन्जाई के बाद जो है अब ये बड़ी इनिशिएटिव थी। फिर इसको क्या किया गया, पूरे एरिया को एक स्क्वायर कंसीडर किया गया, उस स्क्वायर को जो है लेटर्स में डिवाइड किया कुछ इस तरह से। अब इसको जो है पूरे इसको ए बी सी समथिंग लाइक दिस पूरे को नाम दे दिया गया, फिर इसको सब डिवाइड किया गया, और सब डिवाइड करने के बाद फिर इसको जो है लेटर्स के नाम से दिया गया। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ लोग जैसे कि जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज मार्शल एंड एम एस नागर राजा राव, जब इन लोगों ने पेन स्टेकिंग समझ रहे हो, मतलब कमर तोड़ मेहनत की, तब जाके इनको ये पता लग पाया इसकी हिस्ट्री। क्योंकि जब एक खंडर जगह हो, इनके पास काम क्या था, इनको इमेजिन करना था, सब कुछ इमेजिन करना था। अच्छा यहाँ पे रॉयल सेंटर था, यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ थी, सब कुछ इमेजिन करना एक ब्लैंक प्लेस में, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट काम है। और आफ्टर दिस इतना एफर्ट लगाने के बाद जो है हमें विजयनगर एम्पायर की जो है वो हिस्ट्री पता चलती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। लिटरली आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग। गोपुराम और मंडपास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। जितने भी टेम्पल यूज किए गए उनका भी नोट जो है इस चैप्टर के लिए अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। टिल द टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।